हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में एसीबी टीम ने कार्यवाही कर मांडवाला पंचायत के वार्ड पंच को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। मांडवाला पंचायत के वार्ड पंच भगवाना राम मेघवाल ने एक भूखंड प्रकरण में रिश्वत में 11,00,000 रुपए मांगे थे। एसीबी टीम ने जालौर बस स्टैंड से 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते वार्ड पंच को पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि एसीबी के जालौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर एवं पुलिस थाना में की गई शिकायत में मदद करवाने की एवेज में भगवाना राम वार्ड पंच ग्राम पंचायत मंडला तहसील व जिला जालौर द्वारा 11,00,000 रुपए रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्रोही के सुपरविजन में एसीबी जालौर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ट्रैप की कार्यवाही करते हुए भगवाना राम पुत्र जेठाराम निवासी मांडवाला वार्ड पंच ग्राम पंचायत मांडवाला तहसील व जिला जालौर को परिवारी से 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि वार्ड पंच के आवास एवं अन्य ठिकानों की भी तलाशी जारी है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।